everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in today's video we will talk about four parameters of IELTS speaking. In my last video we talked about what is IELTS speaking, so in which there are three parts, part 1, part 2, part 3. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट फोर पैरामीटर्स. पहले ना पैरामीटर्स को जान लो, पैरामीटर्स है क्या. बेसिकली ना देखो, कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मेरी स्पीकिंग बड़ी अच्छी हुई बट बैंड्स अच्छे नहीं आए. या अगर किसी पर्सन को जानना है कि किस बिहाफ पे एग्जामिनर जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उसके ऊपर स्कोर करेगा, तो ये बेसिकली ना ज़रूरी चीज़ है. अगर हमें पता हो कि हमारी ये चीज़ें पे हमें स्कोर मिलना है तो तभी तो वो स्टूडेंट करेगा ना. सो ये हैं चार वो चीज़ें जिसके ऊपर एग्जामिनर आपको बैंड देगा, ठीक है. सो स्पीकिंग स्किल्स के लिए स्पेशली जो आइल्स कर रहे हैं, वैसे भी अगर किसी ने स्पोकन या स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, बेसिकली ये जो चार है ना पैरामीटर्स जानने बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है. सो द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज लेक्सिकल रिसोर्स. देखो लेक्सिकल रिसोर्स, एंड ये ना सॉरी मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कुछ भी बनाया. ये अगर आप IDP की वेबसाइट देखो तो वही बोल रहे हैं कि हमें कैंडिडेट में ये चीज़ें चाहिए अगर अच्छे स्कोर चाहिए स्टूडेंट को. सो फर्स्ट इज लेक्सिकल रिसोर्स. इसमें देखो चार पॉइंट्स हैं, ये सबसे ज़रूरी है समझना, तभी मैंने फर्स्ट नंबर पर ये लिखा. फर्स्ट देखो क्या है लेक्सिकल रिसोर्स में, रीफ्रेज द क्वेश्चन. देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें जो भी एग्जामिनर ना जो भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो जनरल क्वेश्चन है, चाहे वो क्यू कार्ड है, चाहे वो फॉलो अप है, उसमें ना अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सेम जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो मत यूज़ करो अपने आंसर्स में. पहली बात तो ये, ठीक है. एंड ये स्टूडेंट देखो कहेंगे कि यार हमें ऑन द स्पॉट बनाने नहीं आते, रीफ्रेज करना नहीं आता. तो देखो किसी से कुछ भी नहीं होगा अनलेस वो प्रैक्टिस ना करे. पहले चार पांच दिन ट्राई तो करो, उसके बाद तो अपने आप ही बंदा बोलना शुरू कर देता है. सो लेक्सिकल रिसोर्स में वेरी फर्स्ट थिंग इज़ रीफ्रेज द क्वेश्चन. रीफ्रेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट. राइटिंग में भी हम करते हैं कि टास्क वन टास्क टू की जो स्टेटमेंट है वो चेंज करके लिखते हैं, सेम नहीं बोलते. सो डू नॉट यूज सेम वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन इन योर आंसर, अदरवाइज एग्जामिनर विल से कि ये कॉपी कैट है बंदा, इसने कॉपी कर ली मेरी क्वेश्चन की, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल देखो, डू यू लाइक डिजर्ट्स. सो ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, येस आई लाइक डिजर्ट्स, माई फेवरेट वन इज दिस, जो भी है. Do you like ice cream? Yes, I like ice cream. This is my favorite ice cream. ठीक है. Do you like jeans? Yes, I like jeans. So ये question काफ़ी basic है, ठीक है. मतलब ये तो एक example है. हर एक question में हमने क्या करना है, rephrasing करनी है. जैसे Do you like desserts? Yes, definitely. I have a sweet tooth and cakes are my favorite kind of dessert. Eating a slice of cake after a meal is heaven on earth. देखो idiom भी use कर लिया है, ठीक है. रीफ्रेज तो किया ही किया, idiom भी यूज़ कर लिया. इसकी भी इम्पोर्टेंस मैं बताऊंगी लास्ट में. देखो क्वेश्चन जो है उसको रीफ्रेज करना स्टार्ट कर दो. अगर आप करते हो तो सिक्स बैंड्स के लिए आप एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू IDP, ठीक है. सो कोई भी क्वेश्चन है, इवन क्यू कार्ड में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ पर्सन हु यू रियली एडमायर, तो उसको भी चेंज करो. सेम मत बोलो, हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द पर्सन हु आई एडमायर अलॉट, ऐसे मत बोलो, रीफ्रेज करो उसको. हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड हुम आई रियली रिस्पेक्ट, ठीक है. ऐसे चेंज करके लिखा करो. ओके, सेकेंड इज यूज रेंज ऑफ वर्ड. रेंज मतलब वेराइटी, वर्ड्स जो भी क्वेश्चन या अपने आंसर में यूज़ करने हैं उसकी मतलब अलग अलग वर्ड्स यूज़ करो. ये जो है बेसिकली सिनोनिम्स कह लो, ये ना कितने ही वर्ड्स हैं, मैंने तो कुछ ही लिखे हैं यहाँ पे. सो देखो जैसे चिल्ड्रन क्वेश्चन में लिखा ना, तो चिल्ड्रन को आंसर में यूज़ ही मत करो. कितने तो सिनोनिम्स हैं, देखो टीन्स, जुवेनाइल्स, यूथ, यंगस्टर्स, एडोलसेंट, प्यूबेसेंट, कितने तो हैं.
इनकरेज अगर क्वेश्चन में यूज़ हुआ है मत करो यूज़ आंसर में, इंस्टेड यू कैन यूज़ इंस्पायर, मोटिवेशन, हेल्प कह दो, और नहीं है ना दोबारा अगर यूज़ करना है टॉल बिल्डिंग्स को हम कह सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर यूज़ किया है तो टॉल बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग यूज़ कर लो। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये फॉलोअप्स में आता है क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, ये है क्वेश्चन। सो मतलब ऐसे जो भी क्वेश्चन है कोई भी वर्ड है बेसिकली उसको सिनोनिम्स यूज़ करो। पहले तो हमने रीफ्रेजिंग कर दी क्वेश्चन की, अभी रीफ्रेजिंग मतलब सेम लैंग्वेज नहीं कॉपी की क्वेश्चन की, उसके बाद मैंने की किया यूज़ रेंज ऑफ वर्ड्स। सो इंस्टेड ऑफ एडवांटेज आई विल यूज़ द वर्ड पॉजिटिव पॉइंट, मेरिट्स बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स की जगह नेगेटिव पॉइंट्स, डीमेरिट्स डिसएडवांटेज। ये ना पॉइंट्स जो हैं आपको पता भी होगा शायद पहले, बट बात ये है कि यूज़ करने हैं स्पीकिंग में, ठीक है, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको राइटिंग इम्प्रूव करती हैं तो इसमें अच्छा ही है, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हो ना रेंज ऑफ वर्ड्स तो 7 बैंड्स हैं, आप 7 बैंड स्कोर कर सकते हो, मीन्स 7 बैंड्स लेक्सिकल रिसोर्स में, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड इज़ यूज़ यूनिक वोकैबुलरी वर्ड्स। अच्छा ये ना अच्छे तरीके से चाहे याद कर लो कुछ कर लो, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्ड्स ना राइटिंग में भी एंड स्पीकिंग में भी याद कर लो, यूज़ अच्छे से इसका सीख लो भी क्या मतलब है वर्ड का, स्पेलिंग्स जान लो। देखो काफ़ी बच्चे ना आइल्स के स्पेशली क्या करेंगे कि भाई 20-20, 50-50 जो है वोकैबुलरी वर्ड ही याद करी जा रहे हैं भाई, ठीक है। देखो अगर कोई PhD भी करता है ना लैंग्वेज पे, वो बंदा भी 2-3 महीने में नहीं कुछ सीख सकता, वो सालों के साल उसको लगते हैं अपनी लैंग्वेज परफेक्ट करने के लिए, ठीक है। और हमने आइल्स जो है 2-3 साल तो निलगाने नहीं है बेसिकली, है ना, एंड हमें जो है अगर याद कर लेंगे तो जो है एग्जामिनर स्पीकिंग हमारा ले रहा होगा वो इस बात से खुश थोड़ी होगा भी यार वाह इस बंदे ने तो 50 वोकेबलरी वर्ड्स यूज़ किए, मतलब लर्न किए हुए हैं। देखो वोकेबलरी जो है वो यहाँ पे स्पेशली क्या है, यूनिक वोकेबलरी जो सब नहीं जानते। अगर हमने पीछे जो की है ना रेंज ऑफ वर्ड्स, ये चिल्ड्रन टीन्स जो है ना ये तो सबको ही मालूम है, टॉल बिल्डिंग्स हाई राइज बिल्डिंग ये सबको ही मालूम है, ये कॉमन है, बट ये क्या है वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज़ करनी है हमने, बट यहाँ पे है यूनिक वोकेबलरी जो कॉमन नहीं है लोगों में, ठीक है। वो वर्ड अगर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर सोचेगा भी यार इस बंदे की है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। सो मैंने ना कॉमन से वर्ड निकाले हैं, ये अगर इन वर्ड्स कॉमन वर्ड्स की जगह हम एंड जेन ये वर्ड्स ना डेली बेसिस पे राइटिंग में स्पीकिंग में किसी भी टॉपिक में किसी भी आंसर में ऑलमोस्ट यूज़ हो ही सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है ये वर्ड्स को पहले तो जान लो, स्पेलिंग देख लो, प्रोनंसिएशन भी देख लो, उसके बाद डेली ट्राई करो कि ये 4-5 वर्ड में यूज़ करने ही करने हैं आपने स्पीकिंग में। अब इन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, मतलब अगर आपको अच्छे लगते हैं कोई और वर्ड रख लो अगर ये नहीं सही लगते, बेसिक बात ये है कि ज़्यादा करने की वजह थोड़ा करो बट उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जैसे ना काफ़ी बच्चे ना याद कर लेते हैं वोकैबुलरी वर्ड बट एग्जामिनर के सामने कोई एक वर्ड भी वोकैब का यूज़ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वर्ड जान लिया, वर्ड आता है, सब कुछ है, बट प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की क्योंकि वो ज़्यादा में चक्कर में ही रह गए। सो इट्स बेटर टू डू प्रैक्टिस ऑफ 2-3 वर्ड्स एंड उसको ही बार बार यूज़ करो, ताकि देखो अगर आपको लगता है ना मैं हर बार क्यू कार्ड में यही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई इतना लेवल पर पहुँचता है तो वहाँ पे स्पीकिंग तो एक बार ही होनी है, चाहे जिस आप इंस्टीट्यूट में या किसी भी आप टीचर पे पास लगे हो तो वहाँ तो मे बी आप डेली यूज़ कर रहे हो, मे बी आप बोर भी हो जाओ, पर एग्जामिनर के पास तो एक बार ही स्पीकिंग होगी और उस एक स्पीकिंग के ही आपको मार्क्स मिलने हैं। सो इस वर्ड्स को देखो, अगर काफ़ी कॉमन सिंपल से वर्ड है, कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं। देखो इट डिफ़िकल्ट को कैसे कह सकते हैं, आर्डुअस, अगर दोबारा फिर बोलना है तो कह दो स्ट्रेनुअस, एंड ये वर्ड्स राइटिंग में भी स्पीकिंग में भी यूज़ हो सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मल वर्ड हैं, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग माई आर्डुअस सिचुएशन माई मदर ऑलवेज हेल्प मी, सो स्ट्रेनुअस का भी सेम,
during my strenuous situation, my brother always lend a helping hand towards me. So देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि during my difficult time my mother always help me, इसकी जगह अगर मैं आर्डवर्स बोल दूँ तो मेरा वही सेंटेंस ना थोड़ा बेटर बन जाता है. सो एंड ये वर्ड्स वो हैं जो देखो, अगर आप स्पीकिंग जिस दिन देने जाओगे, मे बी वहाँ पे मतलब 80 स्टूडेंट्स हो उस एग्ज़ामिनर को, 80 तो ज़्यादा हो गए, चलो मतलब सोच लो भी 40 हैं, 40 स्टूडेंट की है ना एग्ज़ामिनर ने स्पीकिंग ली, तो उसमें से अगर आप एक है ना, अगर अलग अलग वर्ड यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पीकिंग की बाकी स्पीकिंग के साथ अगर कंपेयर करेगा ही वो एग्ज़ामिनर तो आपकी अच्छी होगी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइस. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड एडवाइस यू कैन से ट्यूटलेज, लाइक टीचर्स शुड ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यूएबल ट्यूटलेज टू देयर चिल्ड्रन. आई ऑलवेज लिसन टू द ट्यूटलेज माई मदर गिव मी. स्पाउस सपोर्ट, जैसे किसी को सपोर्ट करना ना, उसकी जगह स्पाउस. देखो स्पाउस को पता, अगर डिफिकल्ट लगता है ई को छोड़ दो, स्पाउस ये तो पता ही होगा, स्पाउस वीज़ा लगता है. ठीक है, सो ई लगाना है बस आगे, मैंने तो ऐसे ही याद किया है. ठीक है, स्पाउस मीन्स सपोर्ट. माई पेरेंट्स ऑलवेज स्पाउस मी ड्यूरिंग माई आर्डवर सिचुएशन. ठीक है, एंड दे ऑलवेज गिव मी वैल्यूएबल ट्यूटलेजेस. हेल्प, ये तो भाई बड़ा ही कॉमन है, राइटिंग में स्पीकिंग में बड़ा ही कॉमन है, कोई भी टॉपिक हो ये वर्ड तो यूज़ हो ही जाता है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हेल्प यू कैन से लैंड अ हेल्पिंग हैंड. लैंड अ हेल्पिंग हैंड मीन्स मदद का हाथ बढ़ाना बेसिकली. ठीक है, गवर्नमेंट शुड ऑलवेज लैंड अ हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. गवर्नमेंट शुड ऑलवेज प्रोवाइड असिस्टेंस टू प्रोवाइड नो गवर्नमेंट शुड ऑलवेज प्रोवाइड असिस्टेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल लिविंग इन पॉवर्टी. एड, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एड टू द इंडिविजुअल्स इन नीड. सो ये वर्ड्स इंस्टेड ऑफ हेल्प वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स. थ्री वर्ड्स हैं ये देखो, अगर हेल्प क्योंकि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी रिपीट होगा. सो एक बार लैंड अ हेल्पिंग हैंड बोल दो, असिस्टेंस बोल दो, एड बोल दो. नेक्स्ट इज फोर्स्ड. फोर्स्ड है ना किसी को डोमिनेट करना बेसिकली. सो कोएक्स्ड, माई पेरेंट्स कोएक्स मी टू ऑप्ट मेडिकल इन माई सेकेंडरी एजुकेशन. एंड ये सच है. सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स, ज़रूर इसको अप्लाई करो एंड यू विल सी गुड रिजल्ट. सो फोर्थ पॉइंट इन लेक्सिकल रिसोर्स इज idiomatic expressions. Idiomatic expressions means idioms. Idioms मतलब मुहावरे. सो ये ना कॉमन है मुहावरे, थोड़े कह लो idioms जो कि हम यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग में. ट्राई करो, तीन तो कम से कम यूज़ करो ही करो. सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गई, विच वॉज इफ़ वी यूज़ यूनिक वोकेबलरी सो वी कैन गेट 8 बैंड्स इन आर स्पीकिंग मीन्स इन लेक्सिकल रिसोर्स पॉइंट. सो idioms, सो फॉर द फर्स्ट वन इज़ फॉर हैप्पी एंड सेटिस्फाई मीन्स इफ अ पर्सन इज रियली हैप्पी, ही सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज लाइफ, ही कैन यूज़ द वर्ड idiom on cloud nines. मीन्स जैसे हिंदी में भी यूज़ करते हैं ना, जैसे मैं तो साथ में आसमान पे पहुंच गया उस टाइम पे है ना. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट ऑफ द एग्ज़ाम, जब मुझे एग्ज़ाम का रिजल्ट मिला, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड कांट वेट टू टेल माय पेरेंट अबाउट दिस. सो मैं वेट नहीं कर सकता अपने पेरेंट को बताने के लिए. सो क्या idiom यूज़ करेंगे, ऑन क्लाउड 9. ये तो सबको वैसे कॉमन है, सबको ही मालूम होगा. सो बट बात यही है कि यूज़ करने की बात है. ठीक है, अनदर, अगर देखो आपने दो बार बताना हो कि उस टाइम मुझे खुशी हुई, सो हैप्पी एंड सेटिस्फाई के अगेन अंडर वर्ड विल बी सॉरी idiom विल बी ओवर द मून. आई वॉज ओवर द मून. ठीक है, द मोमेंट आई सो माई मम्मी आफ्टर 3 years. सो ये मैं बोल सकती हूँ ओवर द मून. ठीक है,
सेकेंड थर्ड विल बी एंगर. एंगर मीन्स गुस्सा. गुस्सा मीन्स टू थ्रो अ वॉबलर. देखो व्हेन आयरी, आयरी इज अ नेम ऑफ अ गर्ल. ठीक है, जब आयरी गेट टू नो अबाउट दैट बोहिमिया स्टोल्ड हर मनी, जब आयरी को पता लगा भी बोहिमिया ने पैसे चुराए उसके, शी थ्रू अ वॉबलर वुडन स्टॉप फाइंडिंग हिम. तो उसने वॉबलर थ्रो किया एंड वो थकी नहीं, मतलब वो उसको ढूंढती रही. नेक्स्ट इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क मतलब बहुत मेहनत की. देखो ये तो यूज़ हो जाएगा अगर हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे. सो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई पत्थर छोड़ा नहीं जिसको उसने पलटा नहीं. नेक्स्ट एक और है इसके लिए अगर दो बार यूज़ करना हो, बर्नट मिडनाइट ऑयल, मतलब जैसे आधी रात को भी उसने दिया बाला जैसे काम किया है ना. सो इसके लिए जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बर्नट मिडनाइट ऑयल टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, कुछ भी कहते हो तो मतलब उसने बहुत मेहनत की एक सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर बनने के लिए. तो हार्डवर्क के लिए यूज़ कर दिया बर्नट मिडनाइट ऑयल. हम ये भी यूज़ कर सकते हैं लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्नड टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉकर प्लेयर इन द वर्ल्ड. देन द लास्ट वन इज वेंट ब्लू. देखो ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे ना कह नहीं देते वो नीली फिर गई, वो नीला हो गया, जैसे मतलब उसको इतना दुख लगा किसी बात का ना. सो सैड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेंट ब्लू. सो क्या यूज़ करेंगे, देखो एग्जाम्पल है, आई वेंट ब्लू आफ्टर हियरिंग द सडन डिमाइस ऑफ माई लेजेंड सिद्धू मूसेवाला. जब मुझे सिद्धू मूसेवाला लेजेंड की डिमाइस, मतलब एकदम सडन डिमाइस मतलब डेथ की खबर सुनी, तो मैं आई वेंट ब्लू. सो दिस वॉज फॉर सैड. सो नेक्स्ट सेकेंड पैरामीटर. द फर्स्ट वन वॉज लेक्सिकल रिसोर्स, जिसमें हमने चार पॉइंट्स पढ़े, एंड वो जो है सबसे मेन है. मेन तो वैसे सारे ही हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा सीखने लायक है. सो ग्रामर में क्या है, अगर ग्रामर बेसिकली क्या है, कोई मिस्टेक्स ना हो ना, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो. सो इसमें सबसे पहले तो ये है कि यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज. अभी देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेज का मतलब ये नहीं फ्यूचर प्रेजेंट सारे बीच में डाल दो, ऐसे नहीं. मतलब अगर देखो कोई स्टोरी है जिसमें आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है, तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ करो, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज़ करो, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी यूज़ करो. ये होता है वैरायटी ऑफ टेंसेस यूज़ करने का मतलब ग्रामर में. इससे पता चलेगा कि आपको जो है इंग्लिश अच्छे से आती है. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ग्रामर मतलब अच्छे से इसमें ग्रामर में स्कोर लेने के लिए, यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ये ज़रूरी है, देखो राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी. सिंपल सेंटेंस तो सभी बनाते हैं, यूज़ करते हैं सभी. कंपाउंड सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाओ, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाओ. जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे, मीन्स आपको ग्रामर के ज़्यादा बैंड मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद जो भी आप सेंटेंस बनाओ ना, देखो वो ब्रोकन सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए. उसमें पूरी सेंस होनी चाहिए, अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. सो करेक्ट सेंटेंसेस तो ऑब्वियसली होने चाहिए, अगर अदरवाइज ग्रामेटिकल एरर होगा. ठीक है, रिपीटिशन ट्राई करिए कि मत कीजिए बोलने में. उसके बाद यूज़ अप्रोप्रिएट लिंकर. लिंकर क्या होता है, जैसे एक आपने सेंटेंस बोल दिया, ख़त्म हो गया, अगला सेंटेंस आपने शुरू करनी है, तो आपने अगर देखो बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है, हैरान करने वाली, तो कह दो सरप्राइजिंगली. ठीक है, या बदकिस्मती, जैसे कोई सैड बात है, कोई दुखी करने वाली, तो आप कह सकते हो अनफॉर्चुनेटली, या अच्छी बात है तो कह सकते हो फॉर्चुनेटली, या और भी यूज़ कर सकते हो मोर ओवर. एंड ये लिंकर्स भी ट्राई करो, थोड़ा सूटेबल जो है ना वही यूज़ करो. ऐसे नहीं मतलब सब में ही मोर ओवर लगा दिया अपार्ट फ्रॉम दिस. ठीक है, एंड हाँ ये भी नहीं कि यार एक सेंटेंस बोला लिंकर यूज़ कर दिया, एक सेंटेंस बोला लिंकर यूज़ कर दिया, ये ना क्रैमिंग लगती है. सो ट्राई कि चार पांच सेंटेंसेस बोलो, मतलब बेसिकली क्यू कार्ड में एक दो तीन ही यूज़ करो बेसिकली. एक तो इवेंचुअली हो जाएगा एंड में, ठीक है, तो उसके ऊपर दो ही यूज़ करो. ठीक है, सो ये थोड़ा नेचुरल होना चाहिए.
आपके जो लिंकर्स है ना, जैसे आप अगर बोलो कि है ना अनफॉर्चुनेटली या अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो बिकेम द प्रेजिडेंट इन दैट ईयर, अगर किसी पर्सन की बात कर रहे हो, तो है ना जो लिंकर है वो सूटेबल ही होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड. सो दिस इज़ अबाउट ग्रामर. देखो आप ग्रामर में कुछ नहीं करना, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मैंने बात करूँ तो अगर सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करते हो ना तो 7 बैंड मिलते हैं, कंपाउंड के 6 मिलते हैं, सिंपल के अगर सिंपल ही सेंटेंस को यूज़ कर रहा है तो 5 बैंड मिलते हैं. सो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए. इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कि कैसे हमने कंपाउंड सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक बार पता हो स्टूडेंट को. हार्डवर्क तो सभी कर लेंगे, ठीक है. सो ये ग्रामर है. ग्रामर में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको अच्छे से स्कोर मिले. अच्छा एक ना बात और, जैसे मैं बोल रही हूँ कि लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर है ना, और भी आगे है फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन. देखो इसके बैंड कैसे मिलेंगे, जैसे चार चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे आपको एग्जामिनर देगा ना स्कोर, जैसे लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामर, ठीक है, फ्लुएंसी कोहरेंस एंड कोहरेंस एंड प्रोनंसिएशन. ये चार चीज़ों के बिहाफ पे आपको बैंड मिलने हैं. जैसे टोटल स्पीकिंग में बैंड कितने होंगे, 9 में से देने हैं. देखो अगर किसी की ना ग्रामर वीक है, उसको ब्रोकन सेंटेंसेस है या है प्रॉब्लम है, उसको प्रेपोजिशन नहीं आती, टेंस नहीं पता लगता, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ग्रामर उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लेक्सिकल रिसोर्स में जो बातें हैं ना वो फॉलो करे. लेक्सिकल रिसोर्स में तो ट्राई करे ना, एफर्ट डाले अपनी, प्रैक्टिस करे यूनिक वर्ड्स ईडियम्स की. तो अगर इसमें ज़्यादा स्कोर लेगा, अगर ग्रामर की वजह से उसका स्कोर डाउन भी हो रहा है, तो लेक्सिकल रिसोर्स की वजह से, फ्लुएंसी और प्रोनंसिएशन की वजह से उसका स्कोर अप हो सकता है, ठीक है. ये है डिफरेंस पैरामीटर्स का, ठीक है. सो 9 बैंड में से देख लो, 4 हिस्से कर लो, 4 हिस्सों में से आपको मिलने हैं लेक्सिकल रिसोर्स के, 1/4 जो है हिस्सा आपको ग्रामर का मिलना. अगर चलो ग्रामर नहीं भी सही ना, दूसरे जो 3 पॉइंट हैं उस पर वर्क कर लो ज़्यादा, ठीक है. थर्ड पैरामीटर इज फ्लुएंसी एंड कोहिजन. देखो ये सबसे इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा. इसमें जो मिस्टेक्स, बेसिक मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं ना, वो ट्राई करो कि मत करो. देखो फ्लुएंसी का मतलब क्या है, कनेक्शन करना है हमें प्रॉपरली, आइडिया जो भी होगा हमारे आंसर का और सेंटेंस का ब्लेंड जो होगा ना, एंड ऑब्वियसली लॉजिकल वे में, ऐसे नहीं ऐसे मजाक कर रहे हो आप आंसर बता के, लॉजिकल वे में अगर आप कनेक्ट कर रहे हो आइडियाज़ एंड सेंटेंसेस तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, ठीक है. एंड अगर लॉजिकल हो तो मतलब कोहिजन है. कोहिजन का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा उसने उसी का जवाब दो, ठीक है. वो कुछ पूछ रहा है, वो बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम, आप बोल रहे हो आई एम फ्रॉम अमृतसर, ये मतलब कोहिजन टूट गया आंसर में. जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो ये क्या होता है, कोहिजन टूट जाता है ऐसे. तो Try to answer what is always asked, ठीक है. So जैसे question ना, especially ये question तो काफ़ी हो बच्चों का गलत होता है. Question में जैसे question पूछा, how often do you eat ice cream, ठीक है. जैसे question है, how often do you eat ice cream, इसका मतलब क्या है, कितना अक्सर आप आइसक्रीम खाते हो. तो बच्चे कई बोलते हैं कि आइसक्रीम बड़ी पसंद है, स्ट्रॉबेरी खाते हैं हम, है ना बस. पर अक्सर कितना अक्सर खाते हो भाई, डेली खाते हो, हफ्ते में 2 बार खाते हो, मतलब महीने में 1 बार खाते हो, वो बताना. अगर बताया नहीं ना आपने, वैसे ही आपने 1-2-3 सेंटेंसेस बता दिए जिसमें चाहे वो कैब भी यूज़ की हुई, तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि कोहिजन ही टूट गया. जो उसने पूछा उसका तो जवाब नहीं ना दिया आपने, मतलब फुलफिल नहीं की उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, तो उसके हिसाब से फिर आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे. सो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है. एंड कोई फिलर्स नहीं होने चाहिए आपकी स्पीकिंग में. अगर नहीं फिलर्स होंगे तो फ्लुएंसी अच्छी होगी. फिलर्स का क्या मतलब है, जैसे कई बच्चों की ना जैसे आदत होती है अ बोलने की, जैसे आई गो टू जैसे अ जो है ना वो फिलर्स होते हैं, इसके स्पेशली नंबर कटते हैं. सो ये ध्यान रखो कि मत बोलो. सेकेंड इज़ रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन क्या मतलब है, सेल्फ करेक्शन. ये भी नहीं करनी है. देखो
कई बार क्या स्टूडेंट्स करते हैं, पहले वाज बोल दिया, उसके बाद सोचा भी यार नहीं प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है तो फिर इज़ यूज़ कर दिया। देखो आपको शायद ना उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन हो जाए भी यार मैंने गलत किया था बट मैंने ठीक कर दिया, पर इस चीज़ का आपके मार्क्स पे गलत असर पड़ेगा, आपकी नेगेटिव मतलब गलत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्कोरिंग पे, ठीक है? क्योंकि मे बी है ना आप सेंटेंस फ्लुएंसी से बोल रहे थे आंसर को, बट चलो एक ग्रामर मिस्टेक होगी तो होगी, कोई बात नहीं, पर आपने कर दी करेक्शन। ग्रामर की मिस्टेक के ग्रामर के नंबर तो कटे ही कटे क्योंकि आप टेंस गलत यूज़ कर रहे थे, बट जब आपने रेक्टिफिकेशन की गलती कर दी ना, अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर दिया, तो आपके फ्लुएंसी के नंबर भी कम हो गए। तो ये चीज़ ट्राई करो नहीं बोलने, ठीक है? करेक्शन नहीं करनी अपने आप को, हो गया गलत कोई बात नहीं यार, एक गलती के पीछे दो गलतियां थोड़ी करनी है। सो इसके अलावा नो लॉन्ग पॉजेस शुड बी यूज्ड, लंबे लंबे पॉजेस नहीं लेने। अगर पता ये भी होता है कि एक ना बच्चा को कोई जैसे क्वेश्चन पूछे तो वो पॉज इतना ले रहा है, तो एग्जामिनर ना नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछने लगता है, तो वो बच्चा प्रिपेयर कर रहा था अपना सेकंड वो क्वेश्चन है ना, तो उसने अगला क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं सुना, तो ये हो जाता है। तो ट्राई टू नॉट टेक लॉन्ग पॉजेस। एंड अच्छा अगर ना चलो स्पीकिंग में जो भी है जैसी भी स्पीकिंग है, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो ना तो आप ही बादशाह हो बेसिकली, आपने जो स्पीकिंग देनी है वो कॉन्फिडेंस से देनी है। काफ़ी बच्चों का तो देखो नर्वस ही हो जाते हैं पता नहीं क्यों, वैसे कॉन्फिडेंट हो भाई, कोई लेख के थोड़ी खाया किसी का, ठीक है? सो अच्छे से स्पीकिंग दो, आँखों में आँखें डाल के दो, भी प्रॉपर दो स्पीकिंग, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ये रूल है एक फॉर्मल जो मीटिंग होती है, ठीक है, कन्वर्सेशन होती है उसमें जैसे प्रॉपर अपना बॉडी पोस्चर रखो, बैकबोन सीधी करके रखो, एंड हैंड जेस्टर्स भी नहीं करने होते, हाथ ऐसे ऐसे हिलाने नहीं है, बस अपने हाथ ऐसे करके रखो, ठीक है? सो आई कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? अगर देखो आई कॉन्टैक्ट करना एक सीन है, जैसे आपको नर्वसनेस हो रही है चलो, तो आप ना उस जो एग्ज़ामिनर है, सपोज ये एग्ज़ामिनर है, ठीक है, ये उसकी आँखें चलो, तो ना आप उसके फेस पे कहीं कोई पॉइंट देख लो, कोई उसकी बिंदी लगाइए चलो, मतलब कुछ भी कोई भी पॉइंट देख लो, और उसी पॉइंट को देख के, आई कॉन्टैक्ट नहीं करना ना, उस पॉइंट को देख के ही बस आंसर बोली जाओ, ठीक है? ये इससे ही आपका आई कॉन्टैक्ट हो जाएगा, उसको ये भी नहीं लगेगा कि आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, वैसे तो आप नहीं कर रहे, तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे इस चीज़ के। सो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट मूव भी होना चाहिए। सो दिस इज़ द लास्ट पैरामीटर, दैट इज़ प्रोनंसिएशन। जैसे हमने इसमें से लेक्सिकल रिसोर्स के मैंने बात की, फिर ग्रामर की, फ्लुएंसी की बात की, ठीक है, उसके बाद प्रोनंसिएशन इज़ द लास्ट वन। प्रोनंसिएशन सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता भाई, कुछ वर्ड्स जो हैं काफ़ी बच्चे गलत ही बोलते हैं, तो उसको थोड़ा अगर आपको पता हो, ये मैंने वीडियो वैसे बनाई तभी है, अगर पता हो तो मुझे लगता है कि मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना? सो पहले प्रोनंसिएशन में क्या है कि जो मदर टंग है, मदर टंग मतलब अपनी माँ बोली, ठीक है, जैसे पंजाबी है, हिंदी है, बांग्लादेशी है, किसी की कोई भी जैसे लैंग्वेज है, उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे, क्योंकि आप इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है? सो कॉमन मिस्टेक जो होती है पहली बात तो द की होती है, क्या होती है देखो ये ना, अगर शायद पता हो आपको, स्कूल में पढ़ा होगा, इसको ना द भी बोलते हैं, इसको दी भी बोलते हैं, ठीक है? दी कब बोलना है, इस टी एच ई को दी कब बोलना है, जब इसके आगे जो भी वर्ड होगा या तो वो वोवल साउंड दे रहा है या वो वोवल वर्ड है। वोवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी वर्ड है वो इस वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जो भी वर्ड द इस टी एच ई के बाद लिखा है उसकी स्टार्टिंग ए ई आई ओ यू से हो रही है या साउंड भी है, ठीक है? जैसे द फर्स्ट वर्ड ही देखो, ऑनरेबल, एच साइलेंट है, ओ से ओ की साउंड है, सो इसको क्या बोलेंगे, दी ऑनरेबल। आई
AEIO यू में से है, वोवल्स है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दी इंटरनेट। एंड इंटरनेट के ऊपर फॉलोअप्स क्वेश्चन कितने हैं, देखो आप कई बार क्यू कार्ड में भी बोलते हो, कई बार आप फॉलोअप का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये। सो दी इंटरनेट, दी इंटरनेशनल कंपनी, दी इन्वायरमेंट, दी एप्पल, दी आइसक्रीम, आइसक्रीम अगेन टॉपिक है, इन्वायरमेंट भी टॉपिक है, मतलब वही मैंने वर्ड वैसे निकाले हैं, दी एग। सो try not to make these mistakes. Now you have known the meaning difference between the and the. The का देख लो, the का देखो जो भी words रह गए उसके साथ हमने बोलना है, the children, the sun, the police, the boy, the leaves, the radio, the car, the house. ठीक है, ये तो बोलते ही हैं, but इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। Last but not the least, कॉमन प्रोनंसिएशन मिस्टेक्स। कॉमन प्रोनंसिएशन मिस्टेक्स जो होती हैं स्पीकिंग में, कुछ वर्ड्स ही लिखे हैं वैसे तो मैंने, इसको देख लो इसकी प्रोनंसिएशन कैसी है एंड ट्राई नॉट टू डू दोज मिस्टेक्स। फर्स्ट होता है प्रेशियस, ठीक है, इसको प्रीशियस बोलते हैं ज़्यादातर बच्चे। ब्रिटिश जो है इसकी जो मैं प्रोनंसिएशन बताऊँगी ना, ब्रिटिश अकॉर्डिंग ही बताऊँगी क्योंकि आईएलटीएस जो एग्ज़ाम है ब्रिटिशर्स ही लेते हैं। सो प्रीशियस का मतलब है कीमती, सो इसको क्या बोल सकते हैं, प्रीशियस बोलते हैं बच्चे। इसकी प्रोनंसिएशन क्या है, प्रेशियस, प्रेशियस। इसको ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, वर्ड मत देखना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना साइड पे उसकी प्रोनंसिएशन उसको बोलना तो सही प्रोनंसिएशन होगी। सो ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। सो जेनरे, सो ये ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, जेनरे। कोट, कोट बोलते हैं इस वर्ड को। एंड वेडनेसडे बोलते हैं हमारे यहाँ ना इंडियन, सो डी नहीं बोलना, डी की जगह वेंजेट, वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। ये लिसनिंग में भी अगर आ जाता है ना तो मतलब गलत हो जाता है आंसर्स क्योंकि प्रोनंसिएशन का चक्कर हो जाता है, सो वेंसडे। ओके, व्हीकल बोलते हैं इसको ज़्यादातर बच्चे, व्हीकल, व्हीकल। एंड इसको तो बड़ा भी कॉमन सा ना चाउज बोल देते हैं, चाउज इसका मतलब हफड़ा दफड़ी है ना, जैसे लॉस एंजलिस इज अ प्लेस फुल ऑफ केओस, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन, केओस। अच्छा, ये है डिजीज़ का नाम, डेंगी, डेंगी। और इसको बोलते हैं ज़्यादातर गलत बोलते हैं वुमेन, विमन, देखो वी आई एच, विमन। ओके, पिज्ज़ा को टी बोलना है, पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। सो ये थोड़ी सी वर्ड्स हैं जिसकी प्रोनंसिएशन मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं, सो इसका ध्यान रखना है। अगर देखो कुछ एफर्ट ही नहीं है इसमें, अगर आपको पता चले तो आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, पता लग जाएगा ना इस वर्ड की ये प्रोनंसिएशन है। सो इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो प्रोनंसिएशन में फुल मार्क्स पाओगे, ठीक है। चलो फुल मार्क्स नहीं तो उसके करीब तो आएंगे ना हम, ठीक है। सो रेदर देन कि इसके पीछे, इस वर्ड्स के पीछे हम अपना मार्क्स कम करें, सो ट्राई टू नॉट डू दिस मिस्टेक्स। सो दिस वाज टुडेज वीडियो ऑन द फोर पैरामीटर्स ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरा चैनल द आईएलटीएस इनसाइडर। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। Sorry, I forget to tell you one thing. In idiomatic expressions, three idioms, if you will use in your speaking, means you should try to at least use three. And if you will use this idiomatic expressions, अगर idioms अगर आप use करते हो तो 9 bands आपको मिल सकते हैं speaking में।